जय हिंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योगा डे है। तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अब हम जानेंगे कि इतिहास में पहले लोग योगा किस प्रकार करते थे और कैसे करते थे, किसने योग का शुरुआत किया था। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफ़ी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों ने ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्णा, महावीर और बुद्ध ने भी अपनी तरह से विस्तार दिया और पश्चात ने इसे सुविचित रूप दिया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्धार्थ, नागपंथ, वैष्णव और शक्तिपीठ ने अपने विस्तार किया इस योग को।